अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्री बुक एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम मैथ में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, तो पेज नंबर 213 सभी बच्चे अपनी बुक में ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवनी बायस 9 स्क्वायर पेविंग स्लेब्स ईच विद अ स्लाइड ऑफ 1/2 मीटर, ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। अवनीत ने क्या ख़रीदा है? पेविंग स्लेब्स यानी फर्श पर बिछाने वाली टाइल्स खरीदी हैं और स्क्वायर शेप में हैं वो, और उसमें से साइड दी गई है स्क्वायर के, वन साइड दी गई है 1/2 मीटर। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, और उसने इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज किया है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट? फिगर 10.7 फर्स्ट, यानी ये इस तरीके से जो फर्स्ट वाली फिगर है ना, तो ये है अवनीत की फिगर, और उसने 9 स्क्वायर्स को इस तरीके से बड़े स्क्वायर में क्या करा है, अरेंज किया है। एक की साइड है 1/2, यानी ये वाली जो साइड है ना सिंगल, इतनी सी सिर्फ ये है 1/2 मीटर, इतनी सी ये इतनी साइड, एक बॉक्स की एक साइड है 1/2 मीटर। तो अब ये जो उसने अरेंजमेंट किया है, आपसे पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो एक्सरसाइज 10.1 ऊपर मेंशन कीजिए, आज की डेट मेंशन कीजिए और आंसर नंबर 17 मेंशन कीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये अवनीत ने अरेंज किए हैं पेविंग स्लेब को स्क्वायर शेप में, ठीक है। ये स्क्वायर है और इसका ये जो वन पार्ट है ना, ये वाला, ये दिया गया है 1/2, ये है 1/2 मीटर। तो ये तीनों, अगर एक साइड के तीन बॉक्स लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1/2 + 1/2 + 1/2, कितने हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले तीनों को प्लस कर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता तो एलसीएम लेकर करते हैं ना, तो ये हो गया 3/2, यानी ये पूरा एक साइड कितनी हो गई, ये हो गई 3/2, ये वाली साइड भी 3/2 हो गई, ये वाली साइड भी 3/2, और ये फोर्थ वाली साइड भी 3/2 हो गई। अब जब पेरीमीटर निकालेंगे इसका, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 × साइड, यानी जो भी साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइड क्या है, साइड है 3/2, इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 के टेबल से ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6, तो आंसर आएगा 6 मीटर। तो ये वाले स्क्वायर का आंसर क्या आया है, 6 मीटर, ए वाले पार्ट का। ये है ए पार्ट कि अवनीत ने पेविंग स्लेब को इस तरीके से अरेंज किया है स्क्वायर शेप में, ठीक है। अब है नेक्स्ट बी वाला पार्ट, शेरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, यानी जो अवनीत ने अरेंजमेंट की थी वो शेरी को पसंद नहीं आई, तो शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ हर अरेंजमेंट? ये है 10.7 का सेकंड वाला पार्ट। तो शेरी ने किस तरीके से अरेंजमेंट की है, शेरी ने अरेंजमेंट की है इस तरीके से, ये एक क्रॉस बना दिया है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ना यहाँ से, तो ये क्रॉस दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो शेरी ने इस तरीके से अरेंजमेंट की है। अब इसका पैरामीटर आपसे पूछा गया है कि इसका पैरामीटर बताइए। तो बी वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हुई है। तो अब आप देखेंगे कि ये एक साइड तो स्क्वायर की कितनी है, 1/2 मीटर। अब यहाँ पर दो बॉक्स आ रहे हैं, एक और एक दो, तो यानी कितना प्लस करेंगे, 1/2 + 1/2 को जब आप प्लस करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि 1 आ जाएगा, आंसर क्या आया, 1 मीटर। तो ये दो बॉक्स कितने हुए, ये दो बॉक्स बराबर हुए 1 मीटर के, ठीक है। यहाँ पर भी ये दो बॉक्स हैं तो ये कितने हुए, 1 मीटर, ये दो बॉक्स हैं ये कितने हुए, 1 मीटर, और ये वाले जो दो बॉक्स हैं ये कितने हुए, 1 मीटर, और ये वाला जो बॉक्स है नीचे वाला ये कितना हुआ, 1/2 मीटर, क्योंकि ये सिंगल है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, फिगर का क्या पेरीमीटर आएगा, पहले तो एक साइड को प्लस करेंगे तो 1/2 मीटर + 1 मीटर आएगा, क्या आएगा, 1/2 मीटर + 1 मीटर, ठीक है। फिर जब इसकी सेकंड वाली साइड को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दीजिए, तो सेकंड वाली साइड को जब प्लस करेंगे तो 1 मीटर + 1/2 मीटर और + 1 मीटर आ जाएगा, यानी पहले इतनी साइड लिए, अब ये वाली साइड ले रहे हैं, फिर उसके बाद जब प्लस करेंगे तो 1 मीटर प्लस
वन अपॉन टू मीटर प्लस वन मीटर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में ये और प्लस करेंगे तो आ जाएगा प्लस वन मीटर। अब इसको प्लस करते हैं, देखिए वन मीटर वन मीटर, वन वन टू होगा वन और वन टू, और ये थ्री फोर फाइव, और ये होगा सिक्स मीटर। तो अब प्लस करेंगे वन और वन टू मीटर, थ्री मीटर फोर मीटर फाइव मीटर सिक्स मीटर सेवन मीटर और एट मीटर। तो ये तो हुए एट मीटर, और ये हाफ और हाफ, दो वन अपॉइंट टू को जब प्लस करेंगे तो वन हो जाएगा, और इन दो वन अपॉइंट टू को जब प्लस करेंगे तो टू मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा टेन मीटर। अब या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लीजिए, या फिर फोर मल्टीप्लाई बाय साइड के हिसाब से कर लीजिए, वन एम प्लस वन अपॉन टू एम प्लस वन एम, इस तरीके से करके एलसीएम लेकर कर लीजिए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा टेन मीटर। चाहे चार बार प्लस कर लीजिए हर साइड को, और चाहे फोर से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक बार मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, देखिए टेन मीटर कैसे आएगा आंसर। आप पहले टू का एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये टू, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टू आ जाएगा प्लस वन प्लस टू, तो ये हो जाएगा, इसे अभी रहने दीजिए, ये हो जाएगा टू प्लस वन प्लस फाइव अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय फोर। अब टू टू द फोर, और आंसर आ जाएगा फाइव टू द टेन मीटर। तो जो इस पैरामीटर अवनीत का निकला था वो कितना है, सिक्स मीटर, और जो शेरी ने अरेंज किया था उसका जो पैरामीटर आया वो कितना है, टेन मीटर आया है। अब पूछा गया है सी पार्ट, विच हैज़ ग्रेटर पैरामीटर, तो किसका ग्रेटर पैरामीटर है, शेरी का या फिर अवनीत का। शेरी का टेन मीटर आया तो जाहिर सी बात है शेरी का पैरामीटर ज़्यादा है। अब यहाँ लिखेंगे सी वाले में, पैरामीटर ऑफ शेरी अरेंजमेंट ऑफ शेरी इज मोर देन पैरामीटर ऑफ उसके बाद डी पार्ट में पूछा गया है, अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पैरामीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, द पेविंग स्लैब्स मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एजेस दैट इज दे कैन नॉट बी ब्रोकन। अब अवनीत ने कहा है कि इसके अलावा भी क्या कोई और तरीका हो सकता है कि जिससे वो अरेंज करें तो पैरामीटर ज़्यादा आए, यानी कि शेरी का जो पैरामीटर है उससे ज़्यादा आए पैरामीटर निकल के। तो अब उन्होंने उसे इस तरीके से अरेंज कर दिया, ये पूरे नाइन के नाइन बॉक्सेस को। तो डी पार्ट में लिखेंगे, येस देयर इज अ वे, देयर इज अ वे शोन इन द फिगर इन विच वी गेट अ ग्रेटर इवन पैरामीटर, ग्रेटर होना चाहिए और इवन होना चाहिए पैरामीटर, इस तरीके से अरेंज करना है उन स्लैब को। तो उन्होंने इस तरीके से इसे अरेंज किया है, और वन बॉक्स वन मीटर के बराबर है, तो इसलिए नाइन बॉक्स कितने के बराबर हो गए, नाइन मीटर के बराबर हो गए नाइन बॉक्स। तो अब आप जब इसका पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा रेक्टेंगल बन गया है, तो जब आप इसका पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर आएगा टू इंटू एल प्लस बी। तो जब आप टू इंटू एल प्लस बी करेंगे तो टू लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है नाइन मीटर, और ब्रेथ कितनी है वन मीटर। जब आप इसे प्लस करेंगे तो नाइन प्लस वन कितना हुआ टेन, मल्टीप्लाई बाय टू, आंसर आएगा टू टेन दा ट्वेंटी मीटर। अब ये इवन भी है और इन बॉक्स का ग्रेटर पैरामीटर भी है, इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।